हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजाराम शाह और आप देख रहे हो टेक टॉक आरआरएस चैनल। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं, वो वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सा वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूं। एक्चुअली ये वीडियो जो है हीरो होंडा का 100SS बोल के बहुत पुराना एक बाइक था, उस बाइक को मैं मॉडिफाई किया हूं। चलिए वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिए। फ्रेंड्स, यही वो बाइक आप देख सकते हो, हीरो होंडा का 100SS। मैं बोल दिया इसीलिए आप लोगों को पता चलेगा कि ये 100SS है, लेकिन मैं नहीं बताता था पहले तो आप लोगों को पता नहीं चलता था कि ये हीरो होंडा का 100SS ही है। ये देखिए, मैं शुरू करता हूँ सामने से लेके। ये देखिए, सामने का जो ब्रेक ड्रम है उसको मैंने वैसे ही रख दिया और इसको पॉलिश करके थोड़ा सा चिकना कर दिया, और इसका सॉकेट जो है उसको ऑरेंज कलर का मैं लेके आया हूँ। लेकिन और इंटरेस्टिंग चीज ये है, इधर पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे जो ब्रेक असेंबल जो है उसका पूरा मैं जो इसका सॉकेट जो का जो ऑरेंज कलर किया था उसी को मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर कर दिया हूँ, ताकि दिखने में ये थोड़ा सा अलग लगे और थोड़ा सा स्टाइलिश भी लग रहा है। उसके बाद जो है ये मारगार्ड, अब मारगार्ड देख सकते हो, ये मारगार्ड मैं चेंज कर दिया हूँ, नया लगाया हूँ मारगार्ड, लेकिन नया लगाने के साथ इसको थोड़ा छोटा कर दिया हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा छोटा है, उससे जो स्टॉक मारगार्ड है उसको हटा के मैंने ये छोटा वाला मारगार्ड जो लगा दिया हूँ, क्योंकि इसका स्टॉक मारगार्ड जो था ये उतना अच्छा नहीं था दिखने में। उसके बाद आता हूँ ये हेडलाइट देखिए, बाकी सभी लोग क्या करते हैं इसमें गोल हेडलाइट लगाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा उससे हटके थोड़ा सा अलग मैं हेडलाइट यूज किया हूँ, स्क्वायर टाइप का, क्योंकि सभी गाड़ी में सभी बाइक में आप देखोगे कि ये गोल हेडलाइट सभी लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको नेकेड लुक देने के लिए, आप देख सकते हो नेकेड लुक मैंने यहाँ पे दिया है, इसलिए थोड़ा नेकेड भी लग रहा है। ये देखिए, ये जो पत्ती है उसको अलग से मैंने इंस्टॉल किया हूं, ताकि इसका जो नेकेड लुक है वो और भी अच्छा लगे दिखने में। उसके साथ इसका जो मीटर बॉक्स है, स्टॉक मीटर बॉक्स, उसको उसी को ही रहने दिया मैंने। ये देखिए, स्टॉक मीटर बॉक्स है, और उसके साथ टैंकी जो है इस बाइक का, टैंकी भी सेम टू सेम है, खाली मैं कलर चेंज कर दिया उसका, लेकिन हैंडल जो है हैंडल मैंने चेंज कर दिया। ये आप देख सकते हो हैंडल है इसके, ये रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड एक्स का, और उसके साथ साइड मिरर जो है उसके मैं लगा दिया हूं। ये देखिए, एक्स का हैंडल बार लगाने से क्या होगा, इसका गाड़ी का जो थोड़ा सा सीटिंग पोजिशन का जो हाइट है वो थोड़ा सा हाई हो गया सामने से। ये देखिए, उसके बाद आता हूँ चैचिस फ्रेम, चैचिस में वही रहने दिया सेम टू सेम, क्योंकि उसका चैचिस एक्चुअली बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में मुझे। ये चैचिस को मैंने अलग से पेंट करके ऑरेंज कलर का कर दिया हूँ। ये देखिए, और इंजन जो है इंजन का वही स्टील कलर रहने दिया मैंने, बाकी सब सेम टू सेम है। ये देखिए, साइड फेंडर जो है, साइड फेंडर में थोड़ा सा मैं अलग किया हूँ, साइड फेंडर वही पहले का जो था उसी को मैं रख दिया हूँ, लेकिन उसके साथ कुछ चेंजेस मैंने किया हूँ। चेंजेस बोले तो ये साइलेंसर के ऊपर जो हीट कवर आता है उसी को मैंने यहाँ पे फिट कर दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे पहले जो था हीरो होंडा का CD 100SS करके एक स्टिकर था, वो काफी पुराना हो गया था काफी और खराब भी हो गया था, इसीलिए इस जगह में मैंने इसको लगा दिया हूँ, ताकि यहाँ पे बैठने के बाद उसका जो पैर है वो यहाँ पे टच ना होगा। ये देखिए, और ये दिखने में काफी सुंदर लग रहा है। और उसके साथ जो है साइलेंसर वही स्टॉक साइलेंसर मैंने रख दिया, लेकिन उसको थोड़ा छोटा कर दिया काट के। ये देखिए, क्योंकि ये बहुत लंबा साइलेंसर था, यहां तक था, गाड़ी के साथ वो मैच नहीं आ रहा था, इसलिए इसको काट के छोटा मैंने कर दिया, वही स्टॉक साइलेंसर को मैंने रखा। मैं पहले भी बोला हूं कि साइलेंसर मेरा जितना भी मॉडिफिकेशन रहता है मैं कोशिश करता हूं बहुत ही सिंपल तरीके से उसको मॉडिफाई करने के लिए, अलग से लुक देने के लिए, ज्यादा करके स्टॉक जो चीज है बाइक का उसी को मैं इस्तेमाल करने का कोशिश करता हूँ। उसके बाद आ जाता हूँ सीट जो था उसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया हूँ सीट को। पहले का जो सीट था वो थोड़ा सा चौड़ा था, मोटा था, उस सीट को थोड़ा सा काट के पतला कर दिया, पतला करने के बाद ये देखिए छोटा करके इसमें लगाया हूं। आप चाहो तो इसको अलग से सीट भी लगा सकते हो, मैंने इसी सीट को रहने दिया, लेकिन आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। और बाद में गया आगे पीछे का जो चक्का है, पीछे का चक्का जो है इसको मैंने बड़ा लगाया, चौड़ा लगाया, ये आप देख सकते हो। ये देखो, आपको मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे,
120/80/18 एक्चुअली रॉयल एनफील्ड के पीछे में जो टायर लगता है इसी को मैंने इसमें इंस्टॉल किया हूँ ताकि इस बाइक का जो हैंडलिंग है जो ग्रिप है और थोड़ा अच्छा और थोड़ा बेहतर लगे। उसके साथ सामने के जैसे ही आप देख सकते हो ब्रेक ड्रम जो है उसको एज यूजुअल वहीं पर रहने दिया मैंने, लेकिन इसका जो ब्रेक पैनल का जो है उसको मैंने चेंज करके अलग से कलर कर दिया, ऑरेंज कलर कर दिया। ये देखिए इससे क्या हुआ गाड़ी का लुक जो है और थोड़ा अच्छा लगेगा। और उसके बाद आता हूँ पीछे का मडगार्ड। पीछे एक्चुअली इस स्टॉक बाइक में जो था पीछे का मडगार्ड जो था वो मडगार्ड क्रोम कलर का था और इतना दूर तक मतलब यहाँ से यहाँ तक था, इतना लंबा था। उसको मैं काट के छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद ये देखिए आप मैं थोड़ा सा दूर में लेकर जाता हूँ, पीछे का जो पोजीशन है और थोड़ा बेहतर हो गया दिखने में। ये देखिए मैं पीछे से आपको दिखा रहा हूँ टायर जो है, टायर मैंने बड़ा लगा दिया। बड़ा लगाने का क्या हुआ ये देखिए ये ब्रॉड हो गया पूरा पीछे का पोर्शन। एक्चुअली ये बहुत पतला टायर रहता है इसमें, अभी इतना चौड़ा हो गया टायर। उसके बाद आता हूँ चेन में। चेन का जो कवर है ड्राइव चेन जो है उसको मैं हटा दिया हूँ, उसको ऐसे ही रहने दिया। अभी आप अगर आप चाहते हो तो उसमें सिंगल जो है सिंगल आता है अलग से हाफ जो चेन कवर उसी को भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। और बाकी जो है मैंने पहले ही बोला था गाड़ी का जो स्टॉक जो गाड़ी का लुक्स था उसको मैं बरकरार रख के इसको मैं मॉडिफाई किया हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स अभी मैं आप लोगों को बाइक का जो 360 डिग्री व्यू है वही मैं दिखाऊंगा। ये देखिए वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक तो बनता ही है और साथ ही साथ कमेंट्स कीजिए कि ये गाड़ी आप लोगों को कैसा लगा।